MTV Big F with Gautam Gulati. You know what? जब मैं स्कूल में था ना तो मेरा मेरी मैथ्स टीचर पे बहुत बड़ा वाला क्रश था. एंड टुडे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे. आई डोंट नो उस समय मेरे दिमाग में क्या था, पर ये जो स्टूडेंट टीचर वाली फैंटेसीज होती है ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यूनिवर्सल होती हैं और ऐसा हर किसी ना किसी की लाइफ में होता ही होता है. तो आज हम बात करेंगे आज की नई कहानी की, और कहानी है अंजलि की. अंजलि इज अ स्मॉल टाउन गर्ल जो एक बड़े शहर में आई है कुछ बड़ा करने. पर अंजलि सीम टू बी लिटिल कंफ्यूज्ड, अंडर कॉन्फिडेंट एंड लिटिल नर्वस. और नर्वस होना कोई बुरी बात नहीं है, पर इतना भी नर्वस नहीं होना चाहिए कि 23 साल की उम्र में भी आपकी जिंदगी में कोई ना आए. कहने का मतलब है कि अंजलि की लाइफ में आज तक कोई आया ही नहीं, और जब आया तो सीधा अ रॉक स्टार, हर म्यूजिक टीचर. जब मूड में हो आपका घर वाला तो खाइए जोशीला पान मसाला. फिर से मैडम, देयर इज नो फीलिंग. फीलिंग कहाँ है, फीलिंग लाइए. फैंटास्टिक, सुपर, फैंटाबुलस. ओके, आप लोगों का हो गया, अब आप लोग बाहर जाइए. अगली रिकॉर्डिंग अर्जुन सर की है. एक बार अर्जुन से मिला दे प्लीज. आई जस्ट वॉन्ट वन फोटोग्राफ विद हिम. सॉरी अंजलि, लुक आई नो हिम, बट आई डोंट वांट टू लुक दैट डेस्परेट लाइक यू. आई हैव अ सर्टेन इमेज टू मेंटेन. अच्छा, तू एक काम कर, ही विल बी हियर इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, सो इफ यू कैन मैनेज टू स्टे हियर तो तू उसे मिल सकती है. अरे छोड़ना है सब, तू बस अपनी कोरस सिंगिंग पे ध्यान दे. क्यों अपने से बड़े ड्रीम्स देख रही है. मुझे कोरस सिंगर नहीं बनना है, लीड सिंगर बनना है. रियली? पहले बैकअप तो बन जा. तू एक काम कर, अर्जुन को छोड़ पहले इस ड्रमर को ट्राई कर. वैसे भी तेरा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि तू कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती है कि सारे लड़के तुझे रिजेक्ट कर देते हैं. बाय द वे, वो अर्जुन का बहुत अच्छा फ्रेंड है. यही मौका है अंजलि अपने पिलो के ऊपर चीट करने का. गो गो गो, कब तक इसे कप कप के मौके गवाती रहेगी स्टूपिड. नहीं यार, ये तो बहुत ही हैंडसम है, मेरे पास का नहीं है. बट ये तुझे अर्जुन से मिलवा सकता है, ये मुझसे बात भी नहीं करेगा. अंजलि तू पागल है, ट्राई तो कर. अरे ऐसे तो पिलो से ही शादी करनी पड़ेगी. जस्ट गो. हाय, आई एम अंजलि. या ऑफ कोर्स आई नो, तुम गाती बहुत अच्छे हो. तो तुम बजाते बहुत अच्छे हो. हेलो भाई, निकले यहाँ से, आज नहीं रहना है क्या? अरे बस 5 मिनट. वो आज अर्जुन सर आ रहे हैं ना, वो रिकॉर्डिंग. तुम मिलना चाहती हो उनसे? मैं मिलवा सकता हूँ. By the way, the way you. What the hell? ये क्या करा तुमने? I'm so sorry. Shit. वो एक मिनट. वो थोड़ा वो. नहीं पीछे हो यार तुम. Move. What is wrong with you? नर्वस हो गई थी मैं. नर्वस नहीं, जाओ यहाँ से. I said just leave, go. क्या कर दिया यार?
तो ना तो तू अर्जुन से मिल पाई और उस बेचारे ड्रमर की पैंट बिना कुछ किए गिली कर दिया। तू सच में ग्रेट है। शट अप ज़ोया। मुझे लगता है मैं ना ऐसे ही मर जाऊंगी, पता है। अरे मुझसे अच्छे तो मेरी वो पड़ोसन की बिल्ली है, रोज उससे मिलने ना नया बिल्ला आता है छत पे। ये जानवरों की लाइफ अच्छी होती है, पता है, कोई रोक टोक ही नहीं उनके। हेलो मैडम, तुझे कौन रोक रहा है? सुबह 9 से 7 बजे तक तेरी बुआ जॉब करती है, पूरा दिन तेरा फ्लैट खाली होता है, जो मर्जी चाहे कर, प्रॉब्लम क्या है? मेरे से नहीं होगा, पता है। और बुआ को कोई भनक भी लग गई ना, सीधा बात पापा तक पहुंच जाएगी। यू नो व्हाट, यही तेरी प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है ना तेरे में। पापा का फोन है। हेलो, नमस्ते बाबा। अंजलि, तुम्हें पैसे मिले? कोचिंग क्लास की फीस दे दी तुमने? जी बाबा। और तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, क्लास ही अटेंड कर रही थी ना तुम? हाँ बाबा, मैं क्लास में ही थी। अच्छा, और मन लगा के पढ़ाई हो रही ना आईएएस के लिए? जी बाबा। तुम्हारी मम्मी ने जिद की, इसलिए मैंने तुम्हें इंदौर से मुंबई भेजा है, याद रखना। वरना मुझे कदाई पसंद नहीं है कि मैं एक लड़की को इतना दूर अकेले रहने के लिए भेजूं। बुआ को तंग तो नहीं करती हो ना तुम? नहीं बाबा। उनका फोन आया था, कह रही थी कि तुम बहुत बार देर से आती हो। जी बाबा, वो एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं ना, इसीलिए। देखो अंजलि, एक बात याद रखना, अगर कोई ऐसी वैसी बात की ना तो मुझे सब कुछ बताने के लिए है वहाँ पे बुआ। जी बाबा। अपना ख्याल रखना, मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें। ओके बाबा। कहाँ से जीऊँ मैं अपने ढंग से, गिल्ट से मर रही हूँ, घर में सबको झूठ बोल के बॉम्बे में रह रही हूँ कि आईएएस की कोचिंग कर रही हूँ। अगर पापा को पता चला ना कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ सिंगर बनने के लिए, पहली फ्लाइट लेके इंदौर से यहाँ आएंगे और दूसरी फ्लाइट में मुझे ले जाकर मेरी शादी करा देंगे। कब मैं सिंगर बनूंगी और कब मैं पापा को सच बता पाऊंगी? सच बोलने के लिए ना सिंगर बनने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ले, आ गया तेरा घर। चल, बहुत हो गई तेरी फिलॉसफी, अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। स्लीप टाइट विद योर पिलो। पियो, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तूने ऑलरेडी आज मुझे बहुत सुना है। ओहो, लीव दैट। अच्छा लिसन, कल से मैं और मेरे फ्रेंड्स ना गिटार लेसंस लेने वाले, एक नई गिटार टीचर से। तो उसमें मैं क्या करूं? अरे तेरे अपार्टमेंट में। व्हाट? नो वे, मैं ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। और बुआ को तो पता भी नहीं है कि मैं म्यूजिक परसू कर रही हूं, उन्हें पता चल गया तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं हो सकता है, नो वे। अगर तूने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं बुआ को सब सच सच बता दूंगी। हाँ अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय। क्या हुआ, कौन था भैया से बात की तुमने, और आज आप इतनी लेट कैसे हो गई? फ्रेंड थी बुआ जी, और बाबा से बात हो गई है, और कोचिंग क्लासेस थी ना, आईएएस बनना है ना मुझे। Don't be surprised. मैं तुम्हारा सपना हूँ, शायद तुम अभी भी सपने में हो। Well, you're damn cute. I'm sorry, I'm Arjun, music teacher. Of course, you're the Arjun, the rock star. मैंने तुम्हारे हर गाने, हर वीडियो सब देखे। इनफैक्ट तुम्हारे कॉन्सर्ट्स में तो हमें हमेशा थैंक यू। तुम अंदर कैसे आए? हे अर्जुन, हाउ हैव यू बीन? गुड। एंड आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। हाय अंजलि, अगर तुम कहीं बाहर जा रही हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर तुम इधर ही रहने वाली हो तो प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो।
एनिया डोंट डिस्टर्ब प्लीज ओके ready to play so girls ji hai na softly aap bahut acha play kar rahe ho you have to practice a little bit next time stay with the music मुझे प्यास लगी हाँ? पानी ग्लास ऐसे दे दो बस ऐसे छोटे मोटे बैकग्राउंड असाइनमेंट्स कर लेती हूँ अब मैं ना सोच रही हूँ कि फॉर्मल ट्रेनिंग थैंक यू सो मच थैंक्स हेलो अच्छा हुआ तू घर पर ही है यही चेक करने के लिए लैंडलाइन पर कॉल किया था भाई छुट्टी का दिन है कहीं बाहर घूमने ना निकल जाए बाकी सब ठीक है ना जी सब ठीक है बुआ hey, मैं चलता हूं। कोई है वहाँ पर टीवी चल रहा है बुआ वो पिक्चर आ रही है पिक्चर कौन सी वही जिसे बार बार हर रूम में देखने का मन हो तू घर में ही बैठ के पिक्चर देख भैया ने तेरी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है कोई ऐसी वैसी हरकत हुई ना तो तू देख अब तो लगता है चाह के भी कोई हरकत नहीं हो सकती है आपकी तरह बूढ़ी वर्जन होके रह जाऊंगी क्या कहा कुछ नहीं बुआ कुछ नहीं अच्छा ठीक है मैं रख रही हूँ बाय Why don't you try that with E minor? That's really nice. ये तुमने कंपोज किया? मुझे बजाना नहीं आता. Come on. It's pretty simple. और तुम बिल्कुल सही बजा रही हो. You're playing well. You just have to grip it properly. Yeah. हाँ बिल्कुल अब मैं अर्जुन को पाके दिखाऊंगी तू बस ऐसा चक्कर चला कि ये क्लासेस है ना तेरे पर्सनल क्लासेस बन जाए एक दो दिन के लिए डन अच्छा चल कोई आया है मैं तुझसे आराम से बात करती ठीक है बट प्लान इज ऑन डन बाय मैंने सोचा वीकेंड पे इधर ही रह जाती हूँ कौन रोज आएगा जाएगा लेकिन क्लासेस तो है नहीं अर्जुन पुणे जा रहा है ना कॉन्सर्ट के लिए फोन आया था उसका उसने तो मुझे बताया ही नहीं मुझे बताया ना और बोला कि सबको बता देने के लिए तेरे पास सबका नंबर है तू बता दे सबको वैसे तो रहने के लिए आई थी पर कल तो मैं बुआ के साथ शिरडी जा रही हूँ आई एम श्योर तेरा तो अच्छा ही कुछ प्लान होगा वीकेंड के लिए
बाय। सुन, फेज वन डन। अब कल बुआ खीर दी जा रही है, उसके बाद बस देख। अंजलि में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा था अपने पैशन की वजह से, और उसका पैशन उसको धीरे 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 अपने म्यूजिक टीचर की तरफ जाने पे मजबूर कर रहा था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अंजलि सही रास्ते पर जा रही है? यू नो अंजलि, कोई सुन तो आया नहीं है, मुझे भी एक ट्यून पे काम करना है, मैं कल मिलता हूं। एक स्टूडेंट तो है, अगर तुम्हें जाना है तो इट्स ओके। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। आई लव टू। गिटार पकड़ना आ गया, बजाना। Let's see. मैंने कुछ बनाया है, सुनाओ प्लीज। I need to record this. Really? Hang on. Ek baar fir bajaoge? Please. One more time. Ready? Yeah. Super! Splendid, huh? Super Anjali, you are the best. Really? Very well done. Wow. Ruko, ek minute, maine tumhare liye custard banaya hai. You know, main baad mein kha lunga. Abhi mujhe nikalna hai. I'm so sorry. I'll just be back. Sorry. तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मेरा फोन नहीं मिल रहा, तूने देखा क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं है। ये घबराई भी क्यों है? नहीं, वो मैंने पिक्चर देख रही थी ना, आधे में छोड़ के आई हूँ, असली सीन तो अभी बाकी है। You're weird. I'm so sorry, Arjun. चला गया। अंजलि, तेरा कुछ नहीं होने वाला। रेस्ट लेना चाहिए, यू नो। आई एम रियली सॉरी। कम ऑन यार, आई थिंक इट्स माय फॉल्ट। एक तो मैं बगैर तुमसे पूछे तुम्हारा बाथरूम यूज करने चला गया, और ओके, आई एम सॉरी। मैं तुम पे इम्पोज नहीं करना चाहता। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरा इम्पोज करो।
सॉरी नथिंग. मैं कह रही थी कि तुम आ जाते ही रुक जाओ. आई मीन तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए और मैं बाहर सो जाऊंगी. मगर मेरे कपड़े. डोंट वरी अबाउट दैट. एक्चुअली वो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल सेंड करनी है. आई नीड योर वाईफाई पासवर्ड प्लीज. सॉरी वो ऑन कर रही थी राउटर. इट्स ऑल राइट. अंजलि. Oh shit. Please, तुम कुछ मत कहना और तुम यहाँ से हिलना मत. प्लीज प्लीज मेरी बुआ आ गई है. She won't understand. प्लीज 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 just. बुआ शेरी नहीं गई? हाँ जा रही थी लेकिन बीच में ही भैया का कॉल आ गया और उन्होंने बताया कि तुम्हें अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं रहेगा इसीलिए वापस लौट आई. वैसे तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं मैं तो पिक्चर देख रही थी. अच्छा ठीक है तुम पिक्चर देखो मैं ऊपर हूँ. ओके. अंजलि को जो चाहिए था अंजलि को अभी वो मिला नहीं था. मिल सकता था पर सवाल ये है कि क्या अंजलि खुद वो एक काम करती या फिर वही कायनात का वेट करती. कंफ्यूज थी. गुड दैट शी वॉज नॉट श्योर अबाउट इट. शी वॉज नॉट श्योर अबाउट इट क्योंकि अंजलि को खुद ऐसा लगता था कि वो जो भी काम करती है बॉस गलत करती है. एंड एक्चुअली में कई बार जिंदगी में आप खुद कोई काम करने जाओ तो गलती हो जाती है. यू वांट हैव अ लुक. हैव अ लुक. तुम्हारी बुआ ने सुन लिया तो अंजलि मैं तुमसे एक बात कहूं. तुम यू नो तुम्हें इस करियर को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए. आई मीन जस्ट लुक एट मी. यू नो जब पहले ग्लैमर था तो आई मीन इट वाज विद सक्सेस. लेकिन अब कम ऑन अर्जुन तुम तो अभी भी स्टार हो. आई मीन तुम हॉबी से ट्यूशन करते हो इसका मतलब ये नहीं कि स्टारडम चली गई है. और स्टारडम तो तुम्हारी पर्सनालिटी में ही है. पता है मैं और मेरे फ्रेंड एक बार हम दोनों तुम्हारे अंजलि यू नो यू वेरी स्वीट. तुम्हें सिर्फ अपने आप को यू नो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना है. एंड तो सभी बोलते हैं. तुम्हारा पैर का दर्द कम हो रहा है. आई मीन यू नो मुझे तो लगा था कि मैंने हमेशा के लिए तुम्हारे पैर भारी आई मीन तोड़ दिए. क्या हुआ तुम चुप क्यों हो? नहीं तो आई जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन बप्पे छा गया अब वीडियो वायरल हो गया है. ये तो मेरी ट्यून है. Hey, this is super. I need to record this. एक बार फिर बजाओगे? Please. मैं ऐसे ही अंडर कॉन्फिडेंट बन के जी रही हूँ और लोग मेरे टैलेंट को मिसयूज कर रहे हैं. शेम ऑन यू अंजलि. अगर अभी भी नहीं समझी तो अंजलि मैं चलता हूँ.
तुम्हारी बुआ जाग जाएंगी और क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जा रहे हो ना तो इसलिए थोड़ी सैड हूँ। आखिर तुम्हें मेरे दिल की बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं है अंजलि, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। कल तुम्हारा क्या प्लान है? कल एक रिकॉर्डिंग है बस ऐसे। तो कल सेलिब्रेट करें? क्या? मेरा कॉन्फिडेंस, लेट्स सेलिब्रेट। ओके श्योर कूल। मैं तुम्हारे कपड़े लेके आती हूँ। हाय अर्जुन। हाय अंजलि, तुम यहाँ पे? क्यों नहीं आ सकती? नहीं, ऑफ कोर्स आ सकती हो। लेट्स सेलिब्रेट। So this is it? तुम ऐसे क्यों कह रही हो अंजलि? हमारा मतलब पूरा हो गया ना अर्जुन, वहां चेक पड़ा है मेरी वजह से और तुम यहाँ खड़े हो उस चेक के वजह से। अंजलि, I can explain the video. No, मेरे करियर की करियर, you know what अर्जुन, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जो इंसान स्टार होकर स्ट्रगलर से ट्यून चोरी करे उसका कभी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। और मेरी मानो तो ये वर्ड करियर यूज करना बंद कर। ट्यूशन पे ध्यान। हेलो बाबा। अंजलि तुम कहाँ हो? मैंने पता कर लिया है, तुमने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की ही नहीं है। बाबा, इससे पहले कि आप कुछ बोले, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। बाबा, मैं मुंबई में आईएएस की कोचिंग करने के लिए नहीं, सिंगर बनने के लिए आई और दिन रात इसी के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। सिंगर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? नहीं बाबा, सिंगिंग मेरा पैशन है और शायद मैं सिंगर बनूं या ना बनूं, एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने ट्राई किया है। बाबा, मैं किसी और के लिए नहीं जीना चाहती हूँ, मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे पता है कि इस वक्त आप बहुत गुस्से में होंगे, पर एक बार फोन काटने के बाद मेरे सपनों के बारे में थोड़ा प्यार से सोचिए। नहीं तो क्या कर लोगी अंजलि तुम? घबराइए मत बाबा, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाली, पर शायद आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बाबा अब चॉइस आपकी है, आप मेरे सपने का पार्ट बनना चाहते हैं या मुझे एक सपना समझकर भूल जाना चाहते हैं? हेलो, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर मैं सच बोलूं तो ये ट्यून मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त पर एक बहुत काबिल म्यूजिशियन अंजलि की है। मैंने इस ट्यून को सिर्फ नचा किया। तो क्रेडिट गोज़ टू यू अंजलि। हाय
यू नो इन सब में सबसे ज्यादा तुमने इम्प्रूव किया है एंड दैट इज रियली ग्रेट. लेकिन इम्प्रूव करने का एक मौका मुझको भी मिलना चाहिए. सक्सेस के चक्कर में मैंने तुम्हारी ट्यून लेने से पहले तुमसे परमिशन नहीं ली और सच कहने की हिम्मत नहीं हुई. बट आई एम रियली सॉरी. बेंस मैं बैंगलोर जा रहा हूं टूर पे एज ए लीड फीमेल वोकलिस्ट. तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो. पर मेरी एक कंडीशन, मैं सिर्फ अपने गाने गाऊंगी. बिल्कुल यू आर ऑन. बाय. वरना हम एक साथ कैसे रहेंगे? अंजलि तुम इतनी जल्दी आ गई. तुम तो देर से आने वाली थी ना. बुआ मैं बाहर जा रही हूँ और डोंट वरी पापा को कुछ नहीं पता चलेगा. आपको भी राइट है पूरा पिक्चर देखने का. तो ऐसा तभी होता है जब जिंदगी में आपको एहसास हो कि जिस चीज को आप खुद से बहुत बड़ा समझ रहे थे दरअसल में वो बहुत खोखली निकली. कुछ लोग अपनी फैंटेसी को पाने के चक्कर में सामने वाले को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं कि वो उनके सामने बहुत छोटे लगने लगते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है बॉस. और कोई भी रिलेशनशिप तभी बन सकता है जब आप दूसरे से पहले खुद की रिस्पेक्ट करें और वही सेल्फ रिस्पेक्ट आपको सही ढंग से सर ऊंचा करके जिंदगी जीना सिखाएगी. और अगर ऐसा हो गया तो माय फ्रेंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी ना किसी दिन किसी ना किसी की खुद ब खुद फैंटेसी बन जाओगे मेरी तरह. और अगर मेरी फैंटेसी ने ऐसा बोला कि उनकी लाइफ में है और कोई बाकी तो मैं तो जाते जाते सिर्फ यही बोलूंगा कि और कोई शहर में ना बाकी क्योंकि मेरा नाम है. We love गौती.